तो आज का हमारा टॉपिक रे ऑप्टिक से है अभी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिना, ये तो टेंथ में भी पढ़ा होगा, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट और पॉलीक्रोमेटिक 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 लाइट। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन कलर, पॉलीक्रोमेटिक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट colors when it passes through a prism or dispersive medium. यानी जब लाइट पास होती है, व्हाइट लाइट या वो लाइट जो दो से ज्यादा कलर, दो या दो से ज्यादा कलर्स की हो, जब वो प्रिज्म को पास करेगी, प्रिज्म या डिस्पर्सिव मीडियम उसको कहते हैं, उसको पास करेगी तो वो स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स कलर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रिज्म है एबीसी, ए उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये एबीसी प्रिंसिपल सेक्शन, व्हाइट लाइट यहाँ सपोज इंसिडेंट, जब ये इसमें रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी ये सात कलर में ऐसे तो मैंने यहाँ तीन लाइनें दिखाई, तो असल में क्या है सात कलर्स में सेपरेट हो जाती है, रेड यहाँ लास्ट पे वाइट, बीच में जो सात कलर्स लाइट के हैं तो ये डिफरेंट, ये थोड़ा डायग्राम में नया बना होगा। ये इंसिडेंट लाइट है, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, इसी तरह से चौथा कलर, तो रेड से कहां तक, लास्ट में वायलेट होगा, बीच में क्या ये बनाता है विब वायर, यानी रेड और लास्ट में वायलेट, बीच में कौन से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो रेनबो के कलर्स होते हैं, रेनबो के कलर्स जो होते हैं रेड टू वायलेट, ये सेपरेट होते हैं, दिस सेपरेटिंग इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। प्रिज्म हियर एक्ट्स एज अ डिस्पर्सिव मीडियम, बात समझ में आए, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टिव है, जो लीस्ट रिफ्रैक्ट होता है, बैंड होता है वो रेड, जो मैक्सिमम होता है, जो बैंड जो ज्यादा मैक्सिमम होता है दैट इज व्हाइट, बाकी उसके दरमियान होते हैं कौन कौन से कलर्स, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ओके, ये तो पता है आपको। तो एक और इसमें है causes, what are causes, ठीक, causes of dispersion,
कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन क्या है, यानी क्यों होती है, क्या वजह है कि ये व्हाइट लाइट सात कलर में ये जो सेपरेट होती है। एक मैंने आपको बताया था कॉशी इक्वेशन विच ग्रेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेव लेंथ, दैट इज गिवन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज गिवन बाय ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस डी। हियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ एंड एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड कॉशीज इक्वेशन। In short, so this is concept, we can write that n is inversely proportional to square of wave. Now, jitni zyada inverse proportional, jitni zyada wavelength hogi, utna kam refractive index hoga. It means greater the wavelength, greater will be the lesser will be the refractive index. Lesser the wavelength, greater will be the refractive index. That means refractive index means the bending of light. Jitni zyada wavelength hogi, utna wo kam bend hoga of a reflection passing through the prism. Jitni kam wavelength hogi, utna zyada uski bending capability zyada hogi, yani zyada bend. So we know that wavelength of red color is greater than wavelength of that is a blue, the white, ठीक है, blue और white, ठीक है, wavelength red की ज्यादा है बनिस्बत की violet की, therefore अगर इसमें हम इसको समझते then refractive index of red color will be given by it will be proportional to 1 by lambda z square. Similarly, refractive index of violet color will be inversely proportional to its wavelength light, B for violet. Okay. Now, as lambda red is more than lambda V, that means that the refractive index of red color will be less than the refractive index of violet. ठीक है, समझ में आ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही होता है डिविएशन। ठीक, अगर मिसाल के तौर पर एक लाइट यहां से आई, ठीक है, तो इतना बैंड होगी, अगर दूसरे कलर की लाइट आई वो मिसाल के तौर पर ज्यादा बैंड होगी, ये नॉर्मल डालो ये ज्यादा बैंड हो, इसका मतलब कहेंगे ये जो ये वाली ये वाली लाइट है ये ज्यादा बैंड हो गई, इसका मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाली कम बैंड हो गई इसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी अगर मैं ये भी बनाऊ सी, अगर ये एक लाइट यहाँ आई ये इतनी बैंड हो गई, दूसरी लाइट आई वो भी इसी एंगल पे लेकिन वो ज्यादा बैंड, इसका मतलब कहेंगे ये जो लास्ट वाली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बनिस्बत की इसकी। ठीक, सो एज द रेड कलर हैज लार्ज वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस, सो रेड कलर विल बी बेंड लीस्ट आफ्टर पासिंग थ्रू अ गिवन प्रिज्म। ठीक है, एंड वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड मोस्ट, रेस्ट ऑफ द कलर्स विल बी इन बिटवीन द रेड एंड व्हाइट। ओके सर, उसके तो कॉज क्या हो गए, बिकॉज इट इज इट डिपेंड्स अपॉन दिस। अच्छा, उसके बाद है आपका
डिफ्रेक्टिव इंडेक्स का एक टेबल है, इंडेक्स टेबल है यहां पर ए, यहां कलर है रेड येलो ब्लू वायलेट, ठीक वेवलेंथ वेव इज 656 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर, येलो की वेव लेंथ है 589, ठीक इसी तरह से ब्लू की है 486 नैनोमीटर, वायलेट की है 397 नैनोमीटर। देखो फ्लिंट ग्लास एक किस्म का गिलास है, देखो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.62, किस कलर के लिए, जो रेड कलर की वेव लेंथ, उसके लिए फ्लिंट ग्लास का फ्लिंट ग्लास येलो के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है 1.63, यानी येलो कलर का ज्यादा है। इसका मतलब जब येलो कलर फ्लिंट ग्लास से पास होगी प्रिज्म जो है तो उसमें ज्यादा वो बैंड होगी बनिस्पेक्ट की रेड, अगर ब्लू लाइट फ्लिंट कलर से पास होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.64, उसका मतलब यह है ये इससे भी ज्यादा बैंड होगी और इससे भी ज्यादा बैंड होगी जब ये पास हो जाएगी ब्लू लाइट फ्लिंट ग्लास। तो वायलेट का चूंकि देखो कम सबसे वेव लेंथ है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, यानी बैंडिंग इसकी ज्यादा। इन कंपेरिजन अगर हम देखें क्राउन ग्लास भी एक किस्म का ग्लास है 1.5, यहाँ पर बिटवीन 1.51 एंड 1.52 है इस ग्लास, ठीक 1.52 एंड 1.5। देखो ये वेव लेंथ जो रेड कलर की है वो ज्यादा है सबसे, फिर यहाँ से काम देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेव लेंथ ज्यादा रिफ्लेक्टिव काम, वेव लेंथ थोड़ा सा कम डिफरेंस बढ़ गया, फिर से कम वेव लेंथ ब्लू कलर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, फिर से वायलेट कलर की सबसे कम ये वेव लेंथ इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेकिन सबसे ज्यादा है। तो आपको ये पता चला लाइट इसीलिए डिस्पर्स होती है बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेव लेंथ व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, सो बैंड सो दे बैंड डिफरेंट। इसी तरह से व्हाइट लाइट जो पास होती है उससे क्योंकि वो सात कलर की बनी होती है, इसी हर एक कलर का अपना अपना मखसूस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। मखसूस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब ये अलग अलग उनका जो बैंड ये जब प्रिज्म से पास होगी अलग अलग बैंड, इनकी स्पीड भी डिफरेंट, रेड कलर की स्प्रीड एक होती है।